ये आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल मैं माइक आपके पास देता हूँ। वो माइक आज बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि ऐसे जो दो बुजुर्ग जो है अपने बीच में आज अच्छे होके जा रहे हैं, और ये जो सारी मेहनत है आज जो मेरा स्टाफ यहाँ पे है सारा का, उनकी वजह से ये लोग आज अपने घर पे तंदुरुस्त होके जा रहे हैं। सबसे पहले तो वैसे अपने वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, नर्सेस, इन्हीं लोगों की सारी मेहनत है, और उसी की वजह से आज जितने भी पेशेंट यहाँ से अच्छे होके गए, और उन्हीं की बदौलत आज अपना सारा हॉस्पिटल का नाम भी हो रहा है। और अपने यहाँ से जो लोग जा रहे हैं बेसिकली वो लोग निश्चित इन स्टाफ को दुआ देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ये लोग आज अच्छे खासे तंदुरुस्त होकर जा रहे हैं। मैं आगे जाके इन लोगों को यही बात बोलूँगी कि घर तो अभी अच्छे खासे जा रहे हैं, आगे जाके उन्होंने अपनी खुद की भी सेहत का ख्याल और रखना है, और आहार विहार जो भी है अच्छा करिए, और हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को ऐसी ही दुआ देते रहिए ताकि ये लोग ऐसी ही मेहनत करते रहे, और अपने मालेगांव से जो भी कोई बीमारी आती है उसको हटाने में ये लोग हमारे कंधे पे कंधे लगा के खड़े रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपकी दुआ की वजह से ये लोग और मेहनत करेंगे और अच्छा यहाँ से हमारे अच्छे होके जाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगी। और सारी मेरा जो स्टाफ है उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि वो लोग आज मेहनत करें, इसलिए अपने यहाँ से पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं। सहारा को फाइट में मतलब लेने का ये फैसला मतलब कैसा था? सहारा को गवर्नमेंट में लेने का फैसला जो है वो आज एक हमारे लिए एक उपलब्धि बन गई है, कि जो हमने उस वक्त में निर्णय लिया था कोविड सेंटर बनाने का, वो आज हमारे लिए एक क्या बोले इंस्पायरेशन बोल हो गया कि आज मालेगांव की पब्लिक जो है यहाँ से अच्छे होके जा रही, और ये हमारा डिसीजन जो था वो अच्छा डिसीजन हुआ। जैसा हम लोगों को दूसरा ये कि बहुत सारे हॉस्पिटल पॉइंट में दिए गए, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं मीडिया के रूम में मतलब रहता हूँ तो वहाँ पर मेरे हॉस्पिटल देने के बाद हॉस्पिटल के मालिक कभी वहाँ नज़र नहीं आते थे, लेकिन सारा हॉस्पिटल ऐसे कि जब भी यहाँ विजिट के लिए आते थे तो आरिफ सर हमको हमेशा यहाँ मिलते थे। मतलब सर आप यहाँ पर क्यों रहते हैं, आपने दे दिया फिर आप यहाँ क्या करते हैं? शिक्षा तो मेरी चालू रहेगी, इस पर आप क्या करते हैं? डॉक्टर आरिफ जो है उस भी हमारे स्टाफ के लिए भी एक मतलब एक इंस्पायरेशन ही है। वो रात दिन जो है वो आए यहाँ पे रहते थे, और कभी भी फ़ोन किया तो वो हम लोगों को मदद करते थे, अभी भी कर रहे हैं, और उनकी वजह से हमारा स्टाफ भी पूरा प्रोटेक्टेड है मालेगांव में। जो कहीं दूर से भी बहुत सारे सिस्टर्स आए हुए हैं, लेकिन आज उनकी वजह से हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा इस प्रोग्राम के अभी कल जो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है उसमें तो सारे हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, लेकिन मालेगांव के पब्लिक को भी मैं ये आह्वान करना चाहूँगी कि जब वैक्सीनेशन एक्चुअली में पब्लिक के लिए शुरू होगा तब उन्होंने आगे आके वैक्सीनेशन करना चाहिए। जो दो डोज है सेफ है तो उन्होंने बिल्कुल लगाना चाहिए। सारे फैसिलिटी सारे हेल्थ वर्कर्स का होने के बाद उन लोगों को ये चीज़ पता ही चल जाएगी कि ये वैक्सीन जो है वो सेफ है ऐसा। और कल अपना शुरू हो रहा है पहला राउंड जो है कल अपना हो रहा है, तो उसमें सारे हेल्थ वर्कर्स को लग रहा है। तो मालेगांव की आवाम को यही मेरा कहना रहेगा कि कम से कम उनका देख के उन लोगों ने सारे लोगों ने 18 साल के ऊपर के जो है उन्होंने आग्रह से वैक्सीन लगाना चाहिए, सेफ वैक्सीन है, बिल्कुल सारे मालेगांव को प्रोटेक्ट करना है अपने मालेगांव को, तो वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। थैंक यू।